नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैली सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ऑल इन ट्रिप्स में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल खास है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बिना रूट किए अपने एंड्रॉइड मोबाइल में तीन तीन व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो आपको तीन व्हाट्सएप चलाने क्यों हैं? एक तो आप अपना पर्सनल यूज़ के लिए रख सकते हैं और दूसरा आप अपने ऑफिस के लिए रख सकते हैं अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, और आप तीसरा व्हाट्सएप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए रख सकते हैं। तो किस तरह से आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में बिना रूट किए और लीगल वे से तीन व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला तो आपका व्हाट्सएप आ जाता है जिसे आपने गूगल प्ले से इंस्टॉल किया हुआ है, जो आपका सिंपल व्हाट्सएप होता है। तो चलिए हम आपको दूसरे व्हाट्सएप के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको दूसरा व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले में जाना है और आपको सिंपल सर्च करना है पैरेलल स्पेस, जी हाँ दोस्तों, PARALLEL स्पेस। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ऐप की ऐप आ जाती है जिसका नाम है पैरेलल स्पेस। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको 4.6 की रेटिंग मिली है, तो आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और इस ऐप का कुछ साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 MB का साइज़ है, तो आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसमें व्हाट्सएप ही नहीं और भी ज़्यादा मल्टी अकाउंट्स में चला सकते हैं। जिस प्रकार आप इसमें इंस्टाग्राम भी दो चला सकते हैं, फेसबुक भी दो चला सकते हैं, स्नैपचैट भी दो चला सकते हैं और गेम्स भी दो चला सकते हैं। चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे सिंपल ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने सिंपल ग्रीन कलर का इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा और इसके बाद आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करिए और सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करिए। और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये दो क्लोन ऐप्स बनाने को बोलेगा। इसके बाद आपको सिंपल व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और अपना जो न्यू व्हाट्सएप अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है, और ये आपका बिल्कुल एक सेपरेट व्हाट्सएप होगा जिसे आप अलग नंबर से वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं और आप सिंपल अपना व्हाट्सएप, आपका जो व्हाट्सएप है वो ऐड हो चुका है और आप अपना व्हाट्सएप आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए हम अपना व्हाट्सएप, सेकंड व्हाट्सएप भी हमारा ये तैयार हो गया। इसी तरह आप अपना दूसरा व्हाट्सएप भी इस ऐप से चला सकते हैं। तो चलिए हम तीसरा व्हाट्सएप किस प्रकार चलाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको तीसरा व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है तो ये भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, उस ऐप का नाम है GV व्हाट्सएप। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आसानी से इसे डाउनलोड वहीं से कर सकते हैं। तो मैंने मीडिया फाइल में अपलोड कर रखा हुआ है, तो आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे सिंपल ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपने इसमें अपना नंबर डालना है। ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ोन में सिम होना ज़रूरी है, आपको सिंपल अपना कोई भी नंबर डाल दीजिए जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप चलानी है। तो जिस फ़ोन में वो सिम होगी उसमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आप सिंपल वेरिफिकेशन कोड को डालिएगा और अपना तीसरा व्हाट्सएप को एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो इसी तरह आप इसमें भी व्हाट्सएप, तीसरा व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में तीन तीन व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ें।